फेशियल के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो फेशियल है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपके जो मार्केट में मिलने वाले फेशियल हैं उनको भी जो है फेल कर देगा। आज का जो फेशियल मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। कुछ ही मिनटों में आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट बना सकते हैं, आप अपने फेस पर बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आ सकते हैं और आप अपने फेस का जो तेज है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं फेशियल आपको बताऊंगी, कहीं भी आप शादी पार्टी में जा रहे हो या फिर फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो देखिए कोई भी आप तीज त्यौहार पर जो है इसको करोगे तो आपका जो मेकअप है बिल्कुल भी काला नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी हमारा जो फेस है बहुत ज़्यादा डल पड़ गया है और हम कुछ भी ट्राई करते हैं तो हमारा फेस जो है काला पड़ जाता है, यानी कि हम जो भी मेकअप करते हैं, हम अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी मेकअप जो है अपने फेस पर लगाते हैं बट हमारा जो मेकअप है वो कुछ ही देर में काला पड़ जाता है, केकी पड़ जाता है या फिर टिकता नहीं है। तो देखिए आपकी स्किन को जो है अच्छे से रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, रिपेयरिंग आपको कैसे करनी है, अच्छे से केयर करना है, स्किन केयर अपनी जो फेस की देखभाल अच्छे से करनी है, साथ ही आपको अच्छे से जो स्क्रब करना है, फेशियल करना है और अच्छी सी डाइट भी आपको लेनी है। ठीक है, आप ये सब करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, ना ही आपका मेकअप केकी पड़ेगा, पेची होगा। ठीक है, और आपके फेस पर रिंकल्स, पिंपल, झाइयाँ या फिर अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए आप जो है अपने फेस पर हफ्ते में एक बार तो फेशियल ज़रूर करें। ठीक है, और हफ्ते में एक बार स्क्रब भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो फेस है वो आपके फेस पर जो भी प्रॉब्लम है, जो जैसे कि ओपन पोर्स की दिक्कत है या फिर ब्लैक हेड, वाइट हेड हो जाते हैं, तो इन सब से जो है हमारा मेकअप काला पड़ जाता है। ठीक है, हमारे फेस पर ब्लैक हेड होते हैं, वाइट हेड होते हैं, तो हम कितना भी अच्छा हम प्रोडक्ट अपने फेस पर लगा लें तो हमारे फेस पर जो है कुछ देर बाद में कालापन, यानी कि जो हमारा मेकअप है वो काला पड़ जाता है। तो देखिए आप लोगों को भी इस सब की प्रॉब्लम है और आपका फेस जो है बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं चमकता है, तो मेरे कहने से आप इस फेशियल को कर लो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जो चेहरे का नूर है, आपकी जो चेहरे की रंगत है बिल्कुल बदल देगा ये फेशियल। तो आपको इस फेशियल को करना है, बहुत ही जो है जल्दी से होने वाला फेशियल है और इसमें जो है एक से दो स्टेप ही हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मैं फेशियल आपके लिए लेकर आई हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है, आपके जो महंगे जो 3-3, 4-4 हज़ार वाले पार्लर में जो आप जाकर फेशियल कराते हो उनका भी रिज़ल्ट जो है इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद अपना जो रिज़ल्ट है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल जाए और वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगे, आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस फेशियल को, आपको कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी। प्लीज़ आप जो है ईमानदारी से ऐसे ही फेशियल को करना, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा वाला रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने फेशियल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपनी फेशियल की तरफ। सबसे पहले हमारा जो फेशियल का स्टेप है वो है क्लींजर, और यहाँ पर जो है मैं नॉर्मल दही ले रही हूँ। देखिए आपके पास जो भी दही है, पैकेट वाला है, घर वाला है या फिर जैसा भी दही आपके पास है, तो वो यहाँ पर आपको लेना है। और देखिए एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपके पास दही खट्टा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आपके फेस पर देने वाला है, और अदरवाइज नहीं है जैसा भी दही है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि दही से अच्छा क्लींजिंग नहीं हो सकता है हमारे फेस पर। जितनी भी धूल मिट्टी डर्ट्स वगैरह होती है और हमारे फेस पर ओपन पोर्स होते हैं उसमें गंदगी जो है बैठ जाती है और अच्छे से क्लीन नहीं होती है, तो ऐसे क्लींजर आप करोगे, इस तरीके से अपने फेस पर दही को लगाओगे तो आपके फेस पर जितनी भी गंदगी है ओपन पोर्स वगैरह में अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, मैंने नॉर्मली जो है एक चम्मच दही ली है अपने हाथों पर ही और उसको जो अपने फेस पर अप्लाई किया, देन उसके बाद जो है 6-7 मिनट इसकी मैं मसाज करने वाली हूँ। जी हाँ, आपको 6-7 मिनट ही आपको मसाज करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ और वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड में किया है ताकि वीडियो आप लोगों को लंबी ना लगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप जैसे ही मैंने पहला स्टेप किया है और मेरे फेस पर आप ग्लो भी देख सकते हो, चमक भी देख सकते हो और मेरे फेस पर जो गंदगी थी वो भी अच्छे से क्लीन
हो गई है। तो पहला स्टेप आपको ये करना है, देखिए आपको दही सूट नहीं करती है तो इसकी जगह आप जो है कच्चा दूध ले और टमाटर के रस को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करें, ठीक है। या फिर आपको जो है लगता है कि दही आप लगा सकते हो और आपको सूट करती है तो बहुत ही अच्छा वाला आपके फेस पर ग्लो आने वाला है, आपकी गंदगी जितनी भी है आपके फेस की और कालापन है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा स्टेप हमें करना है, तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है क्योंकि ये हमारे फेस का जो है स्क्रब है, यानी कि हम अपने फेस पर स्क्रब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने फिर से जो है दही ली है, और दही जो है मेरा खट्टा है ताकि अच्छे से क्लीन करे मेरे फेस को और जितनी भी गंदगी वगैरह है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा हनी लिया है क्योंकि हनी में हमारे फेस पर अच्छी सी एक नमी लेकर आता है, चमक लेकर आता है, ग्लो लेकर आता है, तो आपको जो है हनी इसमें ज़रूर ऐड करना है। और आपको लगता है कि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, आपके फेस पर जो है चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, तो आप यहाँ पर बादाम का जो तेल होता है वो भी आप यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो अपने फेस को चमकाने के लिए, अपनी स्किन को ग्लास स्किन में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, अच्छे से मिक्स किया मैंने इन्हें तीनों चीज़ों को और अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद भी जो है हमें अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पर मैंने जो है 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस को अच्छे से मसाज किया है, तो देख सकते हो आप मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। देखिए मसाज जो है आपको ऊपर के डायरेक्शन में करनी है, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि आपको जो है मसाज ऊपर के डायरेक्शन में करनी है ताकि आपकी जितनी भी लटकी हुई स्किन है या फिर आपकी लूज स्किन पड़ रही है तो वो अच्छे से टाइट हो जाए, ठीक है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से अपने फेस की मसाज कर लूँगी और यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड में किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। और अब जो है मैंने अपने फेस को धो लिया है और आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा सा बहुत शॉर्ट फेशियल हमने कर लिया है घर पर। देखिए इस तरह के ग्लो के लिए आप पार्लर में जाओगे तो कम से कम आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ, 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको, तभी जो है आपको ऐसा ग्लो मिलेगा। तो आप जो है घर बैठे ही अपने फेस को चमका सकते हो, अच्छे से अपने फेस को जो है फेशियल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस फेशियल को कर लेना है, हफ्ते में 2 बार करना है और फिर मुझे बताना है कि कैसा आपको रिजल्ट मिला। तो चलिए फिर मिलती हूँ।